नमस्ते बच्चों, आज हम आपको एक चूजे की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा चूजा जंगल में सैर के लिए निकला। वह देवदार के पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी अचानक एक फल उसके सिर पर आ गिरा। छोटे चूजे ने समझा कि हो न हो आसमान गिर रहा है। भयभीत होकर वह दौड़ने लगा। उसने जंगल के राजा शेर को यह बताने का निर्णय किया और तेजी से दौड़ने लगा। उसे बेतहाशा भागते देखकर मुर्गी ने पूछा, अरे ओ चूजे, कहाँ दौड़े जा रहे हो? हाफता हाफता छोटा चूजा बोला, आसमान गिर रहा है, भागो, मैं शेर भाई को सूचित करने जा रहा हूँ। मुर्गी भी छोटे चूजे के साथ होली। मार्ग में उनकी मुलाकात बत्तख से हुई। सारी बातें जानकर वह भी इनके साथ दौड़ने लगी। चलते चलते उन्हें लोमड़ी मिली। उसने पूछा, अरे भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? उन तीनों ने कहा, हम लोग शेर को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है। लोमड़ी उन तीनों को शेर के पास ले गई। शेर सभी के साथ उस पेड़ के नीचे आया। तभी फिर से देवदार का एक फल छोटे चूजे पर गिरा और वह घबराकर चिल्लाया, वह देखो, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर सभी एक साथ हंसने लगे। कहानी की सीख: बिना समझे अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।